साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे बीटाडीन गार्गल। साथियों बीटाडीन ट्यूब भी आता है, बीटाडीन का जो है लिक्विड भी आता है, जो एंटीसेप्टिक घाव होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है ड्रेसिंग करने के लिए। लेकिन साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे बीटाडीन गार्गल माउथ वॉश, कहने का मतलब है ओरली रिंज करके बाहर निकालना है। ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट होता है। तो साथियों सबसे पहले जानेंगे बीटाडीन गार्गल के बारे में, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे बीटाडीन गार्गल है क्या, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड हाउ टू यूज बीटाडीन गार्गल, इसका इस्तेमाल कैसे करना है एंड हाउ टू वर्क बीटाडीन गार्गल। साथ ही साथ इसकी जो है वार्निंग एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे, इंट्रैक्शन की बात करेंगे, ब्रांड की बात करेंगे। साथियों बीटाडीन गार्गल इज ए एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एजेंट है, एंटीसेप्टिक है एंड डिसइंफेक्टेंट है साथियों, और दैट इज यूज टू माउथ वॉश टू किल्स द जर्म्स। और ये साथियों क्या होता है, माउथ वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मुंह के अंदर जर्म्स होते हैं उनको किल्स करता है, दैट कॉज इन्फेक्शन ऑफ द माउथ। और जो जर्म्स हैं वो क्या होता है कि उससे जो है मुंह के अंदर इन्फेक्शन जो है फैलता है, यही एक कारण है, इस वजह से इसको किया जाता है, तो ये जर्म्स को किल करता है। इट आल्सो रिलीव द ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड सोर थ्रॉट। और ये क्या करता है, जो मुंह में सूखापन की प्रॉब्लम होती है या गले में खराश और जो ड्राइनेस रहती है उसको जो है कमी को उसको जो है दूर करता है, क्योंकि जर्मिसाइडल है, किल्स द जर्म्स, जर्म्स मारता है। साथियों बीटाडीन गार्गल हेल्प टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द माउथ, मुंह के अंदर जो लाइनिंग होती है उसके इन्फेक्शन को दूर करता है, थ्रॉट में लाइनिंग है उससे आराम मिलाता है, जैसे कि सच है जिंजिवाइटिस। साथियों जिंजिवाइटिस एक तरह का अमीबा होता है जो दांतों में पाया जाता है, और उससे क्या होता है इन्फेक्शन फैलता है, जिंजिवाइटिस दांतों में मसूड़ों में खून आने लगता है और सूजन हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जिंजिवाइटिस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो है जर्म्स हैं उनको किल्स करता है ये, और जो मुंह में अल्सर होते हैं उनको भी ये ठीक करता है। इट मे आल्सो बी यूज टू मेंटेन द ओरल हाइजीन बिफोर जो है साथियों क्या होता है सर्जरी। और ये क्या होता है, वैसे भी जो है ओरल हाइजीन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जब दांत के अंदर सर्जरी होती है आफ्टर एंड बिफोर इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट इसको जो है रिकमेंड करते हैं, जैसे दांत वो देखते हैं तो कहते हैं बीटाडीन गार्गल करके आइए, या अगर किसी तरह का दांत लगाया है उन्होंने, रूट कैनाल थेरेपी की है, कुछ भी किया, उसके बाद भी जो है बीटाडीन गार्गल कराते हैं, क्योंकि किसी तरह का जर्म्स या बैक्टीरिया कुछ भी है तो उसको किल्स कर देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है, उससे वो ख़त्म हो जाता है। तो साथियों ये जो है विन मेडिकेयर एक बहुत ही फेमस कंपनी है, बीटाडीन एक ऐसा ब्रांड है जो विन मेडिकेयर का है, बहुत सेल होती है। साथियों विन मेडिकेयर का ये माउथ वॉश है बीटाडीन गार्गल। साथियों ये 140 रुपये का साथियों हमारे पास है, ये 50 ml का है, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। साथियों इसमें किसी तरह की डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, ये OTC आइटम है, ओवर द काउंटर ड्रग आपको आसानी से मिल जाएगा। साथियों इसके इंपॉर्टेंट यूजेस और बेनिफिट की बात करेंगे, तो ये जैसा कि अभी हमने डिस्क्रिप्शन बताया है कि ट्रीटमेंट ऑफ माउथ इन्फेक्शन, मुंह में जो इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ ट्रीटमेंट ऑफ सोर थ्रॉट, जो गले में सोर हो जाता है, खराश रहती है, हमेशा जो है क्या होता है ड्राइनेस रहती है उसको दूर करता है, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई माउथ, और मुंह में जो ड्राइनेस रहती है उसको दूर करता है, जिंजिवाइटिस हो जाता है उसको ख़त्म करता है, मसूड़ों में किसी तरह की पायरिया है, सूजन रहती है, खून निकलता है वो सब समस्या दूर करता है, मुंह के अंदर अल्सर है उसको ठीक करता है, फायरेंजाइटिस, जो फायरेक्स होता है, फायरिंग्स होते हैं जो जो है क्या कहते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है उसको ठीक करता है, साथ ही साथ टॉन्सिलाइटिस होता है, टॉन्सिलाइसिन के ठीक करने में जो है बीटाडीन गार्गल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, साथियों जो कॉमन कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है उसमें भी जो है बीटाडीन गार्गल किया जाता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। साथ प्री एंड पोस्ट सर्जरी जो होती है दांतों की उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर इसको डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं साथियों। तो इस तरह से साथियों बहुत से इसके यूजेस हैं, बहुत अच्छा जो है ये माउथ वॉश है साथियों। साथियों इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो बहुत से मरीजों में क्या होता है, कभी कभार जो है माउथ वॉश करने से इरिटेशन होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, या हर्टिकेरिया टाइप की पित्ती टाइप हो जाती है, इस तरह का अगर साइड इफेक्ट दिखता है तो तुरंत इसका सेवन बंद कर दें, अदरवाइज कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। साथियों हाउ टू यूज बीटाडीन गार्गल, बीटाडीन गार्गल का इस्तेमाल करना है कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस मेडिसन इज फॉर
एक्सटर्नल यूज ओनली। साथियों क्या होता है, ये एक्सटर्नल यूज ओनली होती है, गार्गल इन द माउथ फॉर एटलीस्ट 30 मिनट एंड स्पिट आफ्टर यूज। कहने का मतलब है कि आप इसका जो है क्या कहते हैं कि 5 ml या 10 ml अगर आप लेते हैं तो ओरली रिंज कर लेंगे ऐसे, और ऐसा करके जो है उसको 30 सेकेंड तक मुंह के अंदर रखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, स्पिट कर देंगे, थूक देंगे, मतलब अंदर उसको घोटना नहीं है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, हाफ कप वाटर के साथ ऐड करके तब जो है इसको जो है माउथ वॉश करते हैं, तो इस तरह से इसका उपयोग है। या फिर इस ढक्कन भर लेके 1 कप पानी में ऐड करके और ओरली रिंज करना है, उसके बाद थूक देना है, स्पिट कर देना है। साथियों हाउ टू वर्क, ये बीटाडीन गार्गल वर्क कैसे करता है। साथियों बीटाडीन गार्गल इज एन एंटीसेप्टिक मेडिसन, ये एक एंटीसेप्टिक मेडिसन है, यूज फॉर माउथ वॉश, जो कि माउथ वॉश के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि बताया है, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जर्म्स इन योर माउथ, माउथ के अंदर जो माइक्रो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। दैट इज हाउ इट वर्क टू प्रिवेंट द ट्रीटमेंट इन्फेक्शन, और ये क्या करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी करता है, उसको ट्रीटमेंट भी करता है। साथियों वार्निंग एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे साथियों, तो मतलब अगर बीटाडीन गार्गल से आपने कभी किया है, अगर एलर्जी है जैसे पोविडोन आयोडोन से, आयोडीन से जो इसका फार्मूला है पोविडोन आयोडीन जर्मिसाइडल, उससे अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो लोग ना करें, और साथ ही साथ इससे इसके इंग्रेडिएंट से अगर प्रॉब्लम है तो ना करें, या जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको जो है ये गार्गल नहीं करना है। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे तो लिथियम अगर टैबलेट लेते हैं, ये जो मेडिसन है ये ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन की मेडिसन है, लिथियम की टैबलेट अगर कोई खाता है तो उस केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, कंट्रा इंडिकेशन के चांस हो जाते हैं, साथ ही साथ इंट्रेक्शन के भी चांस होते हैं। तो इंट्रेक्शन विद लिथियम टैबलेट अगर खा रहे हैं तो इसके साथ सेवन नहीं करना है। वार्निंग एंड प्रिकॉशन, एलर्जिक टू पोविडोन आयोडीन, अगर पोविडोन आयोडीन जर्मिसाइडल से एलर्जी है आपको तब इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। साथियों ब्रांड की बात करेंगे तो जैसे बीटा काइंड है, बहुत फेमस ब्रांड है माइनकाइंड फार्मा का, ठीक उसी तरह से जो है ये बीटाडीन गार्गल जो है ये विन मेडिकेयर का बहुत फेमस ब्रांड है। और साथियों जो है एम गार्गल NRI विजन केयर इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट है, बहुत ही फेमस ब्रांड है। साथियों इसी के साथ विराम देंगे, साथियों इसकी 140 रुपये MRP है। साथियों किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।